Hey, welcome back. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो जेमिन्स नहीं निकल पाया, अब मैं क्या करूंगा? या फिर आप ऐसा सोच रहे हो यार मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूंगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैंने भी शायद ऐसा ही सोचा था। तो आपको ये सोच के ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही सोच के ना कुछ लोग क्या करें बट ऐसा कर देते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा जो आपको अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप दे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको कॉलेज चूज करने से लेके आपका सारा प्रोसेस कराएंगे, लाइक स्कॉलरशिप से लेके आपका एडमिशन प्रोसेस सारा कराएंगे। और हाँ, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होगा। और मैं पर्सनली LPU के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं उस कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं बेसिकली उसके प्लेसमेंट्स, उसके स्कॉलरशिप के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट यही सोचते हैं कि प्लेसमेंट कॉलेज की अच्छी है या फिर नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये कॉलेज आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं, तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माय नेम इज ज़ीरज, मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जनाब, किसी कारण अगर आपका जेई मेंस नहीं निकल पाता, ठीक है, पढ़ाई करते हो बट मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो मेहनत है वो रंग नहीं लाता, तो आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा? तो यार LPU आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि ये कॉलेज आपको 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। अब आप ये सोच रहे हो कि 50% स्कॉलरशिप पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए और अपना एडमिशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि मैं आज आपको एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके एडमिशन से रिलेटेड और LPU का आप जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, लाइक स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट, तो इसके बारे में आप पूरा बताएगी, ठीक है। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो ये नंबर है, जाके आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट करो। इन द केस वो आपका नंबर नहीं उठाते हैं तो मैं आपको WhatsApp सपोर्ट नंबर देता हूँ, आप वहाँ पर जाके मैसेज करो और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर मैसेज करना, आपको LPU से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। LPU नहीं, आपको किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगी, कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, बस आपको ये काम करना है अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि स्कॉलरशिप क्या 4 साल के लिए वैलिड होता है या फिर नहीं, या फिर इसका कोई क्राइटेरिया है? तो यार मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो स्कॉलरशिप है ना वो आपका हर एक सेमेस्टर में लगेगा, ठीक है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। आपका स्कॉलरशिप पूरा 4 साल ही लगेगा जितना आप स्कॉलरशिप पाओगे, ठीक है। और इसका स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा LPU नेस्ट का, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर के द्वारा मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपका 12th में 90% के ऊपर है तो आपको बिना किसी एग्ज़ाम के 50% में भी स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा। प्लेसमेंट्स, हाँ तो भैया प्लेसमेंट जो है ना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मेजरली स्टूडेंट यही सोचते हैं कि यार जिस कॉलेज में जा रहे हैं यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा होगा या फिर नहीं। मुझे और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं पता कि लाइक चंडीगढ़ एंड ऑल, लेकिन मैं LPU के बारे में बता दूं क्योंकि मैं उस कॉलेज में पढ़ता हूं, यहां की प्लेसमेंट का सीनेरियो क्या है। लाइक अगर आप प्लेसमेंट की बात करोगे ना तो जो LPU का प्लेसमेंट है हर साल इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करोगे तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है कॉलेज का, एवरेज प्लेसमेंट आप कम है मान सकते हैं, आपका IIT और NIT में नहीं हुआ, बट ये ऑप्शन आपके लिए है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और प्लेसमेंट भी अच्छी है, अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपका 10 से लेके ऊपर भी लग सकता है, और लाइक 5 से नीचे तो नहीं लगेगा, 5 से ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन ना लो, प्लेसमेंट इज़ गुड, मैटर ये करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हो। तो यार मैंने आपको प्लेसमेंट बता दिया, स्कॉलरशिप बता दिया, कॉलेज का ओवरऑल सीनेरियो की बात करें तो कॉलेज बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की आप बात कर सकते हो, मैंने नंबर दे ही दिया है, ठीक है। तो जल्दी से जाके यार आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो और WhatsApp पे मैसेज करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी कॉलेज की, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। अगर आप सच में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका जेई मेंस नहीं क्लियर हो पाया तो कोई बात नहीं, कॉलेज तो बहुत सारी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी यार चार्जेस ज़्यादा लेती है बट प्लेसमेंट अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो जाके यार तुरंत मैसेज करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, तुरंत जाके कॉन्टैक्ट करो और वो आपकी सच में पूरी हेल्प करेंगे बिना किसी चार्जेस के। तो आज के वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा 5 मिस्टेक विच आई डू इन माय फर्स्ट ईयर इन माय कॉलेज लाइफ, तो जल्दी आएगी वो वीडियो, तब तक के लिए वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movie.